हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तड़के वाला बेसन। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में एक टेबल स्पून तेल लिया है और इसमें राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, इसमें एक कटोरी बेसन डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेकेंगे, नहीं तो बेसन जल जाएगा। अब इसमें सभी मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसे भी बेसन में अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे सेकेंगे। अच्छे से सिक जाने के बाद इसमें उसी बाउल या कटोरी से नाप कर 3 कटोरी पानी डाल देंगे। से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उबलने देंगे। 5 मिनट उबलने के बाद इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें नमक डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। अब एक छोटी कढ़ाई या पैन में तेल लेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, कटा हुआ बारीक लहसुन डालेंगे, उसे थोड़ी देर भूनेंगे, 4 से 5 खड़ी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अच्छे से भुन जाने के बाद इसको इस तड़के को बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो परोसते समय अलग अलग कटोरी या प्याली में तड़का डालें। लीजिए, तैयार है बहुत ही टेस्टी तड़के वाला बेसन।